फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हो हमारे चैनल फ्रेंड्स मॉडिफाइड जोन। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम कैसे अपने टू व्हीलर्स के अंदर टू हॉर्न्स इंस्टॉल करें, तो आज मैं इसके ऊपर अपने वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो बेसिकली ड्रीम ही हुआ है, तो मैं उसमें आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा कि हम कैसे टू हॉर्न्स इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जितने हमारे टू व्हीलर्स आते हैं, जैसे हमारे स्कूटर्स हो गए, बाइक्स हो गए, सबकी प्रोसेस सेम रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, एंड फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कौन कौन से हॉर्न इंस्टॉल कर रहा हूं अपनी बाइक के अंदर और कौन सी मेरे लिए यूज़ करने वाला हूं और क्या क्या हमें चीज़ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हॉर्न इंस्टॉल करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हैं मेरे हॉर्न्स जो मैंने परचेज़ किए हैं अमेजोन से। ये हैं हेला के हॉर्न से, ये मैच 11। ये मैंने दो हॉर्न्स परचेज़ किए हैं फ्रेंड्स, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, ये तो मेरे दो हॉर्न हैं और दोनों ही मेरे हाइट हॉर्न हैं, दोनों ही हाइट हॉर्न हैं। एंड फ्रेंड्स, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मिंडा की ओरिजिनल रिले, क्योंकि फ्रेंड्स लोकल में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार लोकल में पानी चला आता है, तो फ्रेंड्स हम ये मिंडा की जेन्युइन रिले यूज़ कर रहे हैं ये दी। एंड फ्रेंड्स, आपको जो पड़ सकती है फ्रेंड्स, ये हमारे थिम्बल हो गए इनकी फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे थिम्बल। एंड फ्रेंड्स, वायर आपको जितनी नीड है, एक मीटर दो मीटर, वैसे तो फ्रेंड्स मैंने एक मीटर लिए, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे आप दो मीटर भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये होती है हमारी हॉर्न की वायर जो कि आपको किसी भी शॉप से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर कह दो इसलिए हमें हॉर्न की वायर चाहिए, दो हॉर्न की वायर चाहिए हमें। तो इसमें फ्रेंड्स पहले से ही कनेक्शन आए होते हैं हमारे, ये चार थिम्बल हैं हमारे इसमें, जिसे हम आसानी से अपने चारों हॉर्न्स में लगा सकते हैं, वरना फ्रेंड्स हमें कनेक्शन करने में टाइम लग जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी ड्रीम का में कौन सा हॉर्न लगा हुआ है और फिर आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कैसे हम इन दोनों को उसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टॉक हॉर्न। सबसे पहले हम इसके दोनों थिम्बल से हम इसे कनेक्शन रिमूव कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी बाइकों में स्टॉक हॉर्न यहीं पे होता है, तो फ्रेंड्स एक हॉर्न तो अपना यहीं पे लगा दूंगा, दूसरा हॉर्न मैं अपने लेग गार्ड के इस वाले बोर्ड पे लगाऊंगा। तो मैं आपको हॉर्न्स लगा के दिखाता हूँ, पहले मैं अपने हॉर्न्स को टाइट स्क्रू बंद करके इन्हें टाइट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे कनेक्शन करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा हॉर्न प्रॉपरली सेट नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स तो मैं अपने दोनों हॉर्न ही अपने लेग गार्ड वाली क्लिप उस पर बोल्ट पर लगा रहा हूँ। एक है मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है, मैं आपको लगा दूँगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों हॉर्न्स इस तरह लगा लिए, और फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इनकी वायरिंग करेंगे, कैसे मैं इन्हें रिले से जोड़ूंगा, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने हॉर्न के लिए जो मैंने वायर ली थी, वैसे अगर मैं कनेक्शन करूँगा थिम्बल से वो टाइम लगेगा, तो हमारी वायर पहले से आती है, तो हम इसका एक टर्मिनल हम इस हॉर्न से एक उससे इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लिप के अलग से वायरिंग कर ली, तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हमारा इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जो इसका पॉजिटिव होगा वो इसके पॉजिटिव से होगा, फिर हमारी दो जो वायर आउटपुट आ रही होंगी, दो वायर हमारे पास ये आ गई जो हमारी आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, दो वायर हमारी ये हैं जो हमारे स्टॉक हॉर्न की आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें रिले से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रिले के नीचे कुछ इस तरह का होता है फ्रेंड्स सर्किट। फ्रेंड्स, जो हमारे ये जो टर्मिनल है जो सेम फेस में, तो फ्रेंड्स इस पर हम अपने जो हमारे स्टॉक हॉर्न की वायर है ये वाली, हम इस पर ये दोनों वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ से एक कनेक्शन हमें देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से, यहाँ फ्रेंड्स यहाँ से हमारा कनेक्शन जाएगा बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल पर, वहाँ पर वो करके दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, जो हमारे हॉर्न है, हॉर्न की एक तरह हमारी कनेक्ट होगी रिले से, और फ्रेंड्स दूसरी जो हमारे टर्मिनल होगा ये वाला, इसे हम कर देंगे, अब फ्रेंड्स इसे हम अर्थ कर देंगे किसी भी नट के साथ, जो हमारी चेसी होगा बेसिकली। फ्रेंड्स, मेरा हॉर्न वाला है, मैं इसको यहाँ पे इसे अर्थ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वायर में इस तरह से थिम्बल लगा लिया है, अब इसको मैं जोड़ दूँगा अपनी जिले से। फ्रेंड्स, ये है मेरी जिले, मैंने इसे यहाँ पर अरेंज कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा जिसमें फ्रेंड्स ये वाला, इसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। फ्रेंड्स, ये मैं वहाँ से अपनी वायर ले आऊँ, और फ्रेंड्स ये मेरी बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है रिले से कनेक्शन।
अब मेरा तो लास्ट कनेक्शन रह गया फ्रेंड्स, तो मेरा हॉर्न का एक वायरिंग रह गई जो मुझे रिलीज करनी है, उसमें कोई हॉर्न की साउंड सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स ये मेरे पास ये वाला कनेक्शन रह गया जिसको मेरे को अपने हॉर्न के इस वाली तरह से कनेक्ट करना है। बाकी फ्रेंड्स बाकी मेरे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये वाला वायर जो आपसे देखेंगे, ये वाली मेरी बैटरी चली गई, मेरी स्टॉक ऑन क्यों गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स मैंने अपने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं फ्रेंड्स रिले से। और फ्रेंड्स ये जो रिले है इसको आपको प्रॉपर स्पेस हो वहाँ पर इसकी मैं यहाँ पे से अरेंज कर दूँगा, आप इस तरह से अरेंज कर दें ताकि ये बार बार बाहर ना निकले। और फ्रेंड्स मैं आपको साउंड चला देता हूँ, ये देखो आपको लगेगी इंस्टॉल कर दिए फ्रेंड्स। मैं इनको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकता था पर फ्रेंड्स इसमें विदाउट रिले की दिक्कत जो आती है वो आती है हमारी बैटरी 12 वोल्ट की होती है, उस पर लोड पड़ता है, जिस वजह से हम रिले कटआउट रिले का यूज़ करते हैं जिसमें बैटरी पर लोड ना पड़े। तो फ्रेंड्स थैंक यू। और फ्रेंड्स जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब ना करें वो सब्सक्राइब कर लें, एंड फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।